जलीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को लेकर चल रहा विवाद अभी थमा भी नहीं है कि अब एक और फिल्म को लेकर विवाद खड़ा हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम गोपाल वर्मा की अपकमिंग फिल्म गॉड सेक्स एंड ट्रुथ की। जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से तहलका मचा हुआ है। लगता है पोर्न स्टार निया मालकोवा की ये फिल्म लोगों को रास नहीं आ रही। दरअसल हाल ही में बीजेपी नेता करी नागलक्ष्मी ने सूर्यपोर्ट थाने में फिल्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, विशाखापट्टनम में कुछ महिलाओं के समूह ने फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा के पुतले जलाए और फिल्म बैन करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का मानना है ये फिल्म काफी गंदी है, इस फिल्म को देखकर युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ेगा, ऐसे में इस फिल्म को भारत में बैन किया जाना चाहिए। हाल ही में जारी हुई फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर में मिया मालकोवा का बेहद बोल्ड लुक नजर आया है। वेल, अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा आखिर ये फिल्म रिलीज होगी या नहीं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए NMF News।